प्रदेश सुल्तानपुर ब्लॉक धनपतगंज ग्राम सभा सीवरा के ग्राम प्रधान राम अचल यादव ने एक मुलाकात के दौरान उन्होंने बताया कि वो विगत 4.5 साल से ग्राम सभा सीवरा के ग्राम प्रधान के पद पर हैं। ग्राम सभा सीवरा के अंतर्गत 12 गांव आते हैं जिनका विकास पुरजोर तरीके से किया गया। हर गांव में शौचालय, नल, आवास योजना, चक्रोड, वृद्ध महिला पेंशन, विकलांग पेंशन तथा क्षेत्र में हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में ग्राम वासियों को सैनिटाइजर, मास्क, श्रमिकों, मजदूरों तथा गरीबों को राशन वितरित कराया। क्षेत्र के विकास में हमेशा तत्पर रहने वाले राम अचल यादव को यहाँ की जनता इनके कार्यों से संतुष्ट है। मिलते हैं सुल्तानपुर जिले के ग्राम प्रधान राम अचल यादव जी से कुछ खास मुलाकात और इनके विकास कार्यों के बारे में जानते हैं। तो आप ये बताइए, मेरा पहला प्रश्न कि आपने अपने ग्राम सभा में किस तरीके से विकास कार्य किए? ग्राम सभा में जो भी हो सका, नाली, खड़ंजा, आवास, शौचालय, पेंशन, और दूसरा प्रश्न ये है कि आप इस कोरोना वैश्विक महामारी में आप लोगों की किस तरीके से मदद और इस महामारी में तो सबको दिक्कत हो ही रही है, लेकिन मास्क, सैनिटाइजर, गरीबों के लिए अनाज राशन वितरण करवाया, नाली साफ सफाई को सैनिटाइजर सकते, गरीबों के लिए ज्यादा अनाज का वितरण करवाया। तीसरा प्रश्न कि आपके बारे में जो है कुछ लोग जो है कुछ विपक्ष भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे क्या, उसका कारण क्या है आपके बारे में? विपक्षियों का तो काम वही है ना, उसको विरोध करना, विपक्ष में कोई इतना बड़ी मुद्दा उठाए गए, विपक्ष वालों का काम है बोलना, ये तो कुछ ना कुछ इतना भी करो, लेकिन विपक्ष वाले तो आपकी ग्राम सभा में जो है सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरीके से पालन किया जाए? सोशल डिस्टेंसिंग को अच्छी तरह से पालन किया जा रहा है। कितने साल आप इस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान? कितने साल से? कितने बच्चा? 4.5 साल हो गए। इसमें क्या क्या विकास कार्य किया आपने, पूरा जरा विस्तृत जानकारी बताएं। जैसे सबसे ज्यादा विकास ये नाली, खड़ंजा लोगों के लिए, आवास, पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, और ये नाली, खड़ंजा इसके लिए सबसे ज्यादा दिया गया। आवास भी बहुत सारे प्रधानमंत्री आवास आवास के लिए है। क्षेत्रीय में कुछ लोगों की शिकायत है कि आप पूरा काम बरोबर नहीं करते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। अब इसके बारे में आप क्या कहना क्या चाहिए? अब जिसके बारे में जिसको कहना हो तो कहेगा, सबका एक साथ तो हो नहीं पाता है। ग्राम सभा में इतना पैसा कहाँ आता है कि एक बार में सबका एक साथ में नहीं हो पाता है, लेकिन हर संभव कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए किया जाए। लोग करते हैं, कुछ विपक्ष के लोग हैं जो वो भी लगाते रहते हैं, इधर से उधर करते रहते हैं। इस समय आप किस तरह लोगों की हेल्प मदद कर रहे हैं? अब इस समय इस कोरोना महामारी में इस समय तो जैसे गरीबों के लिए राशन, नरेगा में प्रवासी मजदूरों के लिए काम देना, जो प्रवासी आए हुए हैं नरेगा में काम दिया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना है। तो आपका नाम क्या है? दिनेश तिवारी। कहाँ रहते हैं? बदुद्रकपुरा। भाई आपके प्रधान हैं इस ग्राम सभा के, तो इनके कार्य से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, जितना हम जानते हैं उतना तो हम संतुष्ट है। धरते तो हम बाहर हैं, पर जितना भी है देख रहा हूँ ठीक ठाक है, और उससे तो अच्छा है। इन्होंने क्या क्या कार्य किया है अब तक? मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, पर जैसे हम सबके गाँव में कभी कुछ जो नहीं हुआ था, किसी उसको घर मिलता था या उसके लिए काम होता था जो प्रधान को और देता था, और जैसे हम सब क्या दिया, कोई नहीं दिया, कलंजा वगैरह कभी नहीं होना था, यह हुआ हमारे यहाँ। और बाकी भी सुनवाई भी ठीक ठाक है, कुछ भी कहो तो मानते हैं बात को।